हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जो भी कैंडिडेट्स मेंस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, आईबीपीएस क्लर्क मेंस, आज मैं उनके लिए 25 डेज का स्ट्रैटेजी लेकर आया हूं। अगर इसे आप लोग फॉलो करते हैं तो सही मायने में मैं बता रहा हूं कि आपका स्कोर जरूर इंप्रूव होगा। जो भी कौन कौन सा लेटेस्ट टॉपिक है, लेटेस्ट ट्रेंडिंग, कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जा रहा है, वो सारा कुछ आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। कहाँ से मॉक देना है, कहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकें। वीडियो में लास्ट तक बनी रहिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है आप लोगों के लिए। और यहाँ पे मैं आप लोगों का एग्जाम डेट एक्सपेक्टेड बताने वाला हूँ। पहले जो बताया जा रहा था कि आईबीपीएस क्लर्क मेंस का जो एक्सपेक्टेड डेट है वो 22 और 29 जनवरी को है, लेकिन आईबीपीएस पीओ का जो मेंस का पेपर है वो पहले होने वाला है। तो आप सपोज करिए कि पीओ के बाद ही होगा, फिर भी आपके पास 25 डेज बहुत अच्छे से टाइम बच रहा है, इस टाइम को आप अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि आप लोगों को क्या क्या करना है। जनरल अवेयरनेस में आप लोगों को करंट अफेयर अब पीडीएफ से पढ़ना है। वीडियो देखने का अब टाइम चला गया, जितना वीडियो देखना था आप देख चुके हैं, अब ज़्यादा वीडियो नहीं देखना है आप लोगों को। पीडीएफ जहाँ भी सोर्सेस है आप पीडीएफ पर पढ़िए, जो भी नोट्स बनाए उस नोट्स को फॉलो करिए और वो नोट्स पर बिलीव रखिए। लास्ट 6 मंथ का आपको रिविजन करना है, अच्छे से रिवीजन करना है आप लोगों को। और आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो क्विजेस देना। आप क्विजेस देने से क्या होगा कि जो कुछ भी पढ़े वो रिवाइज होगा और जो नया क्वेश्चन भी रहेगा वो आपको वहाँ से मिल जाएगा, तो वहाँ से आपका प्रैक्टिस भी अच्छा होगा, स्कोर भी पता चल जाएगा और रिवीजन भी हो जाएगा। तो जीए के लिए आपको इतना ही फॉलो करना है। यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ, जो ट्रेंडिंग टॉपिक है, जो लेटेस्ट एग्जाम जितने भी हो रहे हैं उसके बेसिस पे है। आप लोगों को ऑल बैंकिंग करेंट न्यूज़ पढ़ना है, सबसे पहले स्टेट, नेशनल, इंटरनेशनल न्यूज़ पढ़ना, जो भी बैंक्स रिलेटेड न्यूज़ रहता है, आरबीआई, नाबार्ड, एसबीआई, जो भी बैंक्स रिलेटेड न्यूज़ रहता है उसे तो जरूर देखना क्योंकि वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। फिर आप लोगों का डिजिटल बैंकिंग, वर्ल्ड बैंक, स्टैटिक जीके, अपॉइंटमेंट्स, इंडेक, रैंकिंग, स्पोर्ट्स अवार्ड्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है करंट अफेयर का, इसे आप जरूर पढ़ के जाएं। यहाँ से आप लोगों को डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा, मैं आप लोगों को डेफिनेटली बता रहा हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों को जरूर फंसेगा। तो यहाँ पर ये इतना करना है, आप लोगों को क्विज़ ज़्यादा देना है और ये टॉपिक कवर करना है। फिर आते हैं मैथ सेक्शन में। मैथ सेक्शन में आप लोगों को डीआई प्रैक्टिस करना है जितना ज़्यादा हो सके, अर्थमेटिक का क्वेश्चन बनाना है, वीडियो अब नहीं देखना है आप लोगों को, जहाँ भी बुक से फॉलो कर रहे हैं, चाहे पीडीएफ से फॉलो कर रहे हैं, या तो सबसे बेहतरीन है आप लोगों के लिए जितना ज़्यादा मॉक हो सकते हैं मॉक को दीजिए, मॉक को एनालाइज करिए, वहाँ जो क्वेश्चन बनता है उसे भी देखिए और जो नहीं बनता है उसे बाद में प्रैक्टिस जरूर करें। ये कुछ आप लोगों के लिए टॉपिक्स हैं आप लोगों को जहाँ फोकस करना, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कैलकुलेट और प्रीवियस ईयर मॉक आप लोगों को जरूर देखना है। प्रीवियस ईयर मॉक आप लोगों को ऑली बोर्ड में मिल जाएगा, गाइडली में मिल जाएगा, टेक्स्ट बुक में भी मिल जाएगा, आपको अड्डा में भी मिल जाएगा, तो वहाँ से आप प्रीवियस ईयर मॉक जरूर दें। और आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा @studywithshubham, आप वहाँ जाके ज्वाइन जरूर कर लीजिए क्योंकि जितने भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ है मैं वहाँ शेयर करते रहता हूँ, आपका लेटेस्ट जितना भी एग्जाम हुआ उसका सारा पीडीएफ आपको वहाँ मिल जाएगा। तो मैथ के कुछ टॉपिक थे जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा करना है। चलिए अब रीजनिंग में देखते हैं। रीजनिंग में आप लोगों को मॉक टेस्ट देना है और उसका एनालाइज अच्छे से करना है, और पजल और सीटिंग अरेंजमेंट कम से कम अब आप लोगों को 5-5 तो करना है, और हाई लेवल का करना है, जो मेंस लेवल का क्वेश्चन रहता है उस लेवल का क्वेश्चन करना है, क्योंकि अगर इजी आया तो आप तो कर ही लेंगे, लेकिन टफ आया तो आप फंसना नहीं चाहिए उस क्वेश्चन में, इसलिए टफ करिए ताकि ना आप यहाँ आपको यहाँ प्रॉब्लम हो और ना एग्जाम में आप लोगों को प्रॉब्लम हो। इसीलिए हाई लेवल का क्वेश्चन बनाइए, हाई लेवल का आपको पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मेरा मिल जाएगा। और मिसलिनियस टॉपिक जितने भी होते हैं, जैसे आपका इनपुट आउटपुट, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लर रिलेशन, इसका भी आप लोगों को हाई लेवल क्वेश्चन बनाता है, जो पैसेज बेस पे क्वेश्चन रहता है ना उस टाइप के क्वेश्चन बनाना, उसका भी पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। या आप क्विजेस दे सकते हैं, मॉक टेस्ट दे सकते हैं, ये दोनों ऐप में भी आपको काफ़ी अच्छे लेवल का क्वेश्चन मिल जाता है, तो आप वहाँ से भी फॉलो कर सकते हैं। और ज़्यादा ज़्यादा हो सके रीजनिंग में मॉक दीजिए, उतना ही आप लोगों के लिए बेहतरीन होगा। इंग्लिश में आप देखते हैं कि इंग्लिश में बहुत से स्टूडेंट को दिक्कत आता है कि कहाँ से करें और क्या करें, क्योंकि इंग्लिश का दिन पे दिन थोड़ा लेवल अप होते जा रहा है बैंक एग्जाम में, और बहुत सारा ट्रेंडिंग टॉपिक्स है वो आज मैं आप लोगों को डिस्कस करने वाला हूँ जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है। गिव सेक्शनल टेस्ट पहले आप लोगों को देना, जितना ज़्यादा हो सके सेक्शनल टेस्ट आप देना इंग्लिश का, जिसको भी इंग्लिश में डर लगता है वो सेक्शनल टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा दे, उसको फिर एनालाइज करना अच्छे से आप लोगों को। फिर आरसी और क्लोज टेस्ट जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा आप दीजिए, इसका पीडीएफ, आरसी और क्लोज टेस्ट का पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। और हाई लेवल का क्वेश्चन करना है आरसी और क्लोज टेस्ट का भी। फिर जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स है जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं वो पैराजम्बल्स हो गया, सेंटेंस इंप्रूवमेंट हो गया, ईडीएम हो गया और मैच द कॉलम हो गया, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा बनते हैं। होप आप लोगों को समझ गया होगा, टेलीग्राम में जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।